लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। चल विजय, घर चले। अभी नहीं गोपाल। यार तू क्यों देवदास बना हुआ है? तेरी कहानी को दियन लग चुका है, सीमा जा रही है, और अब तेरा ये नाटक देखने वाला है कोई नहीं। ये नाटक नहीं है गोपाल, तू समझ क्यों नहीं रहा? अगर सीमा चली गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। कुछ खत्म नहीं होगा विजय, ये पंछी उड़ जाएंगे तो और नए आ जाएंगे। जिंदगी खत्म नहीं होगी, नई जिंदगी शुरू कर विजय। रेनू आज भी तेरी राह देख रही। नहीं गोपाल, मुझे रेनू की नहीं, मुझे सीमा की जरूरत है। अगर सीमा नहीं होगी तो मेरी जिंदगी मौत से भी बदतर होगी। तेरी कसम गोपाल, मैं सीमा से वाकई प्यार करता हूं, मेरा यकीन कर। यकीन किया विजय, तो फिर देर किस बात की है, सीमा अभी तक यहीं है। जा, जिंदगी के हर पल को समेट ले अपनी झोली में। I'll miss you, सीमा। मुझे खत लिखना। सब लोग आ गए? हाँ आए। मैं तुम्हारे खत की राह देखूंगा। जी कहिए। विजय से कहिएगा कि उसकी पसंद हमें बहुत पसंद आई। सीमा बहुत अच्छी लड़की है, और अब देर ना करे और शादी का पहला कार्ड मुझे भेजे। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं चलूं। बाय। बाय। कोई खत? नहीं बाबूजी, आपका कोई खत नहीं है। खत होता तो मैं खुद पहुंचा देता। कोई खत नहीं आएगा विजय, अपने आप को धोखा मत दे। सीमा ने तेरे साथ मजाक किया है। नहीं यार, कोई किसी के साथ ऐसा मजाक थोड़ी करता। क्यों? तूने क्या किया जिंदगी भर? झूठे नाम, झूठे एड्रेस, झूठा प्यार, झूठे वादे। बस गोपाल, ऐसी बद्दुआ मत दे यार। कोई खत नहीं आएगा विजय, अपने आप को धोखा मत दे। सीमा ने तेरे साथ मजाक किया है। क्यों? तूने क्या किया जिंदगी भर? झूठे नाम, झूठे एड्रेस, झूठा प्यार, झूठे वादे। माधवी, सपना, कांता, ये चिट्ठी आई है। जी शुक्रिया। विजय वर्मा, जरूर किसी नए शिकार का खत होगा, हम भी तो देखें। मेरे प्यारे विजय, सीमा, बहुत दिनों के बाद खत लिख रही हूँ। जानती हूँ नाराज होगे। क्या करूँ, पापा से बात करने की हिम्मत ही नहीं हुई। खत लिखकर सारी बात बता दी और फिर खुशखबरी, पापा मान गए। बल्कि वो तुम्हें मिलने आने वाले थे पर बीमारी की वजह से नहीं आ सके। खैर, वो तुमसे मिलने आ रहे हैं 26 तारीख को, और उसी फ्लाइट से वापस। उन्हें मेरी पसंद पर कोई एतराज नहीं है, बल्कि उन्होंने अपनी तरफ से पूरी तैयारी भी कर ली है। शादी का मुहूर्त तक निकलवा लिया है, इस महीने की 30 तारीख।
एयरपोर्ट पहुंच जाना वही सफेद रंग का सूट पहनकर, डैडी पहचान जाएंगे। और देखो प्लीज मेरे पापा के सामने कोई शरारत मत करना, वो दिल के मरीज है। प्यार के साथ तुम्हारी, सिर्फ तुम्हारी सीमा। वाह विजय वर्मा, तुमने तो मुझे भी धोखा दे दिया। मुझे लगा था आग सिर्फ एक तरफ की है, लेकिन ये तो बराबर की है। अब देख मैं तुझे क्या सरप्राइज देता हूँ। Your attention please. Flight IC401 has arrived. Thank you. मिस्टर विजय वर्मा जी। खन्ना साहब। हाँ, और तुम? जी मैं विजय वर्मा। देखा हमने तुम्हें कितनी जल्दी पहचान लिया। हमारी बेटी की चॉइस बहुत अच्छी है, जैसा उसने कहा था तुम बिल्कुल वैसे ही निकले। मैंने तो इस रिश्ते के लिए तुम्हें देखे बिना ही हाँ कर दी थी। जीते रहो बेटा। अंकल काश मेरे भी माँ बाप होते तो आज। ऐसा क्यों कहते हो बेटा? अगर सीमा हमारी बेटी लगती है तो तुम भी हमारे कुछ लगे ना। जी उसका खत तो तुम्हें मिल गया होगा। जी हाँ, हमने शादी की तारीख पक्की कर दी है, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? जी नहीं अंकल। तो फिर ठीक है, जल्दी से बारात लेकर आ जाओ और अपनी अमानत ले जाओ। गुड लक। अच्छा जी। अच्छा गुड लक मिस्टर विजय वर्मा। विजय ये क्या हाल बना रखा था? तबीयत तो ठीक है ना? मैं ठीक। मेरा कोई खत आया गोपाल? हाँ आया तो था, एक खत बॉम्बे से। बॉम्बे से? मेरी सीमा का खत आया? नहीं, एक इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू? हाँ जॉब की एप्लीकेशन दी थी। तो क्या तू अभी नौकरी करेगा? मुझे अभी तक गैर समझ रहा है। नहीं ऐसी बात नहीं है विजय। तो फिर क्या बात है गोपाल? क्या ये सारी जायदाद, ये कारोबार सिर्फ मेरा है? क्या हम दोनों अलग हैं? ठीक है मैं अपने खून से सब कुछ तेरे नाम लिख देता हूँ। और क्या लिखेगा अपने खून से? मेरी तकदीर तो बहुत पहले अपने खून से लिख चुका है। और कर्जदार मत बना मुझे। तो औरों की तरह मुझे छोड़कर क्यों जा रहा है यार? अरे पगले चंद दिनों की तो बात है, और वैसे भी नौकरी का तो सिर्फ बहाना है। मैंने सोचा इसी बहाने एक पेंटिंग एग्जीबिशन भी देखा। ओ गुड, तो कब जा रहा है तू? 29 तारीख को बॉम्बे। यार गोपाल सीमा भी बॉम्बे में रहती है, इत्तेफाक से अगर तुम उससे मिलो तो उसे जरूर कहना कि मैं आज भी उसके खत की राह देख रहा हूं। अगर मिली तो जरूर कहूंगा। थैंक्स। कुछ नहीं पापा। कुछ नहीं हुआ। अरे एक गिलास पानी ला रहा फौरन। पापा क्या हुआ आपको? आप ठीक तो हो? बिल्कुल ठीक हो बेटा, बिल्कुल ठीक हो। मेरे होते हुए तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है? अरे तुम कितना काम करोगे? क्यों नहीं करूंगा, तुम क्या समझते हो? वो सिर्फ तुम्हारी बेटी है, मेरी नहीं। देखो सीधी तरह आराम से बैठो वरना अस्पताल भिजवा दूंगा। और बारात वगैरह का सब इंतजाम कौन देखेगा? बारात का सारा बंदोबस्त हो चुका है, तुम क्यों फिक्र कर रहे हो? और फूल? फूल जवाई राजा को फूलों से लाद दूंगा, तो देख तो सही यार। ग्रंथो महाबुद्धि सर्वज्ञो गणनायक सर्व सिद्धि करो सेवा गौरी पुत्र विनायक ओम गजानन भूत गणाधीश सेवितम पवित्र जनम फल जानन भक्त
मैं एक ऐसा शख्स हूं जो अपने शादी के मंडप पर भी कोई ना कोई शरारत करता रहूंगा। मैं तुम्हें वहां भी चैन से नहीं बैठने दूंगा। जानते हो मैं क्या करूंगा? अब आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाइए। क्या बात है बेटा, कुछ कुछ परेशान सा लग रहा तू। पता नहीं काका, कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। दरअसल बेटे, तू गोपाल के बिना उदास रहने लगा है। शायद भगवान करे गोपाल ठीक हो। अंदर जाओ दूल्हे राजा, वो आपका इंतजार कर रही है। बाय। नहीं विजय वर्मा की पसंद का। तुम यहां? विजय कहां है? विजय यहां से बहुत दूर अपने घर में। मैं जानती हूं कि आप मजाक कर रहे हैं, ये जरूर विजय की कोई नई शरारत है। मुझे यकीन था कि वो कोई ना कोई शरारत करेगा, है ना? सुहाग रात को दुल्हन के कमरे में दरवाजा बंद करके सिर्फ उसका पति ही जाता है सीमा, का कोई दोस्त नहीं। दुल्हन की सहेलियां और रिश्तेदार सिर्फ दूल्हे को ही दुल्हन के कमरे का रास्ता दिखाते हैं, किसी गैर को नहीं, है ना सीमा? अग्नि के गिर्द फेरे सिर्फ दूल्हा और दुल्हन लेते हैं, दूल्हे का कोई दोस्त नहीं। नहीं, सुहाग रात तो दूल्हे की होती है, किसी और की नहीं। नहीं, ये झूठ है। मेरी शादी विजय से हुई है। तुम्हारी शादी मुझसे हुई है। अग्नि के गिर फेरे मैंने लिए थे, विजय ने नहीं। सफेद सूट पहन के मैं गया था तुम्हारे पापा से मिलने, विजय नहीं। उन्होंने आशीर्वाद भी मुझे दिया, विजय को नहीं। तुम मेरी पत्नी हो सीमा, विजय की नहीं। लेकिन मैं तुम्हें अपना पति नहीं मानती। तुम्हारे मानने न मानने से क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि समाज, हमारे रिश्तेदार, हमारे जानने वालों की नजरों में हम दोनों पति पत्नी हैं। भगवान के लिए ऐसा मत कहना। क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? क्यों मेरे साथ ये जुर्म किया? तुम तो जानते थे ना कि मैं विजय से प्यार करती हूं। तुमसे तो मेरा कोई ताल्लुक भी नहीं था, सिवाय उस इज्जत के जो मैंने तुम्हें विजय का दोस्त और भाई समझ कर दी थी। क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने गोपाल? क्यों? काश मैंने तुम्हारा चेहरा देख लिया होता। मैं समझती थी कि मैं विजय के साथ फेरे ले रही हूं। क्या कर दिया तुमने गोपाल, क्या कर दिया तुमने? तुम बहुत थक गई होगी, खामखा एक्साइटेड हो रही हो। ये सब बातें करने के लिए तो सारी जिंदगी पड़ी है। सोचो,
देखो मेरी बात आखिरी बार कान खोल कर सुन लो, तुम्हारे लिए किसी किस्म की एक्साइटमेंट भी अच्छी नहीं, चाहे वो अच्छी खबर मिलने से हो या फिर बुरी। अपना ख्याल रखो यार। अब क्या ख्याल रखना है, अरे मैं तो एहसान मंद हूँ इस दिल का कि अब तक धड़क रहा है, कम से कम बेटी की शादी तक तो साथ दिया इसने। अब कोई गम नहीं, बस कुछ दिन और जी सका तो सब कुछ छोड़ छाड़ के तीर्थ यात्रा पर निकल जाऊंगा, अपना सब कुछ बेटी और दामाद के नाम करके। हाँ भाई विजय सब ठीक है, तू जल्दी आ जा यार, यहाँ अकेले मन नहीं लग रहा। आ जाऊंगा। नौकरी वोकरी का चक्कर छोड़ दे। मैंने वाकई नौकरी वोकरी का चक्कर छोड़ दिया है, लेकिन क्या हुआ? एक लड़की पसंद आ गई। क्या लड़की और पसंद? हाँ मुझे यकीन नहीं हो रहा यार। ए तू गोपाली बोल रहा है ना, कोई रॉन्ग नंबर तो नहीं लग गया? अरे हाँ भाई गोपाली बोल रहा हूँ। तो मेरी तरह बेवकूफ मत बनना, लड़की का आता पता ढूंढ लेना। ठीक है। वेरी गुड। ए मैं आकर तेरी शादी की बात करता हूँ। अरे भाई मैंने बात भी कर ली और शादी भी। क्या बकवास कर रहा है तुम्हें, दोस्तों के साथ मजाक? मजाक नहीं कर रहा हूँ विजय, मैं हकीकत बता रहा हूँ। कहाँ मेरी कसम? तेरी कसम। ओ माय गॉड गोपाल तूने शादी कर ली। काका जल्दी से सामान बांध दो, गोपाल ने शादी कर ली। मुझे यकीन नहीं हो रहा। गोपाल मैं आ रहा हूँ। नहीं तो वहीं रुक, मैं आ रहा हूँ। शादी की पार्टी देगा ना? पार्टी? अरे यार जान दे देंगे तेरे लिए, तू आ तो सही, देखना क्या रिसेप्शन होगी तेरी। ठीक है विजय, तैयार है ना? ओके बाय। अरे क्या हुआ हमारी लाडली बिटिया को, रो रही है? बेटियां तो पराया धन होती हैं, उन्हें तो एक ना एक दिन अपने घर जाना ही पड़ता है। अरे तुझे तो खुश होना चाहिए, तुझे मनचाहा पति मिला। अब तो भगवान से बस एक ही प्रार्थना है, तुझे जिंदगी की सारी खुशियां दे दे। पापा आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना, वरना मैं आपको आपको छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा इसका। वैसे मैं रात भर समझाता रहा कि आपको साथ ले चलें, लेकिन समझती नहीं। अरे बेटा मैं कहां बोझ बनकर चलूंगा तुम्हारे साथ, अब इसे कैसे समझाएं? तू क्यों चिंता करती है, सब नौकर चाकर है ना, कपूर है, बल्कि कपूर और मैंने तो साथ में तीर्थ जाने का फैसला किया है, निकल जाएंगे हम कुछ ही दिनों में। बस एक फर्ज था कि तेरी शादी हो जाए, सो हो गई। अब क्या है, जिंदगी के सब मकसद पूरे हो गए। अरे हाँ बेटा तुम्हारे टिकट आ गए हैं, चाहता तो था कि कुछ रोज रोक लूं तुम्हें, लेकिन जानता हूं काम छोड़कर आए हो, कल सुबह 10 बजे की फ्लाइट है। जी देख समझ गया। तू सुनना पहले सुन, फूल यहां से लेकर वहां तक लगाओ, मेरा दोस्त गोपाल आ रहा है, जल्दी करो। Okay. अरे सुन तो, आप लोग बातें ही करेंगे या काम भी करेंगे? अरे ना साहब जल्दी करो। अरे तू भी जल्दी कर यार। जी आप लोग क्या कर रहे हैं? फूल लगा रहे साहब। फूल लगा रहे हैं, वेरी गुड। अरे बेटा तू तो पी ले। तू जा। अरे तू खुद पी ले यार, तू जा वहां जाकर पी। अरे बेटा तू कुछ और तो खा ले। काका गोपाल को आने दो, सब मिलकर खाएंगे। बड़ा जिद्दी है। अकेला सिंह मैं टोकरी लेकर तेरे सर पे मारूंगा, मैंने बोला कहां रखने को? काका कमरे में। तो यहां क्या कर रही है यार, ले जा। ले जाता हूं साहब। काका फ्लाइट कितने बजे की है? 2 बजे की। लेट तो नहीं है? नहीं बिल्कुल नहीं, सही टाइम पर है। समझ में नहीं आ रहा उसे मुझे एयरपोर्ट क्यों नहीं बुलाया। काका रिसेप्शन की सारी तैयारियां हो गई? हो गई। ओके खाने का सारा इंतजाम हो गया? गुड। टाइम क्या हुआ? अरे 2 बजे है। 2 गुड। काका मैंने वो जो 2 एक ही टाइप के सूट मंगाए थे वो आ गए? अरे बेटा आ गए, ऊपर रखे हैं। ग्रेट। मेहमानों को तो खबर कर दी? अरे सबको खबर कर दी, सबको फोन भी कर दिया बस। ओके फ्लाइट का टाइम तो हो गया, गाड़ी गई कि नहीं एयरपोर्ट? गाड़ी भी गई, सब कुछ हो गया। तू हमें भी परेशान कर रहा है, खुद भी परेशान हो रहा है, तू आराम कर बस जा। अरे आराम हराम है काका, लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आई। क्या? गोपाल ने मुझे एयरपोर्ट क्यों नहीं बुलाया? अब ये बातें तुम दोनों जानो, मुझे नहीं मालूम। आ गया।